वेस्ट दिल्ली के जायके के सफर को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आ चुके हैं विकासपुरी के डीडीए मार्केट। हमारे साथ यशवी हैं जो कि हमें यहाँ का फूड टूर कराएंगे। बिल्कुल, तो हमने शुरू किया है मोमोज से क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा चलते हैं और ये तो मोमोज का हब है हमारा डीडीए मार्केट। सो दिस इज वेयर वी स्टार्ट मोमोज एक्सप्रेस, लेट्स गो। शॉप का नाम तो बहुत सही है, मोमोज एक्सप्रेस। तो यहाँ पे अलग अलग तरह के मोमोज मिलते हैं और एक्सप्रेस की फुर्ती से निकलते हैं। क्या बात है, इनका स्टीमर देखिए आप, भयंकर। तो सर कौन से तरह के मोमोज हैं? वेज पनीर चिकन। एक मेन्यू देखें इनका। इनके पास स्टीम मोमोज हैं, फ्राई मोमोज, तंदूरी मोमोज, बटर मोमोज, कुरकुरे मोमोज और ग्रेवी मोमोज। कौन सा ट्राई करना चाहिए? हमें तंदूरी ट्राई करना चाहिए। भैया सबसे ज्यादा कौन से बिकते हैं यहाँ पे? बराबरी निकलता है। आपके सबसे फेवरेट कौन सा? यार तंदूरी अच्छा निकलता है। तंदूरी चालू है अभी तो तंदूरी खाते हैं फिर। तंदूरी में कौन सा अच्छा है? अफगानी। चलिए तंदूरी अफगानी ट्राई करते हैं। कौन सा करना है? हाँ पनीर वाला? नहीं नहीं नहीं, चिकन। हाँ चिकन वाले पनीर का खाते हैं भैया, चिकन खाएंगे। तो तंदूरी अफगानी चिकन मोमोज, मतलब देखिए एक स्टीम मोमोज जो हमारे हिंदुस्तान में आया और कहते हैं कि तिब्बत के रास्ते इंडिया पहुंचा, बहुत लोग कहते हैं नेपाल के रास्ते पहुंचा, और आया था जब वो स्टीम था और उसको हम लोगों ने मतलब उसमें क्या क्या मसाले डाल दिए, सब कुछ मेयोनीज डालनी शुरू कर दी, पहले सिर्फ रेड चटनी आती थी। अब देखिए वेज मोमोज, पनीर मोमोज, सोया स्वीट कॉर्न मोमोज, मटन मोमोज, फिश मोमोज, फिश मोमोज भी हैं। मतलब ये कि ना एक मोमो से आप बहुत सारे वेरिएंट्स बना सकते हैं। उसको तंदूरी कर दिया, तंदूरी में भी अफगानी अचारी हरियाली, फिर बटर डाल दिया, फिर कुरकुरे डीप फ्राई कर दिए, उसमें कॉर्नफ्लेक्स लगा के कुरकुरे बन गया। शुरू किया जाए अपने मोमो के जायके का सफ़र, और ये हमारा पहला स्टॉप है जहाँ पे हमने मंगवाया है। बेइज्जती होगी मेरी, इतना कड़क है इतना कि फोक टूट गया इनका। हालांकि उसको हमने एक तरह से चाट मसाला वसाला डाल के थोड़ा इसका एक दिल्लीकरण कर दिया लेकिन बहुत टेस्टी है, बिल्कुल एक क्रीमी टेक्सचर, साथ में बाहर से बिल्कुल क्रिस्प और अंदर में जो स्टफिंग की गई है वो बिल्कुल नॉर्मल जो होती है मोमो की, सिर्फ प्याज, मिन्स चिकन और थोड़ा चपटा के लिए चाट मसाला डाला गया। हालांकि मैंने चटनी साथ ट्राई नहीं किया, ट्राई करता हूँ। मतलब लगता है मुझे इस तरह से छोले भटूरे, छोले कुलचे दिल्ली की पहचान है, उसी तरह से अब मोमो भी हो गई है, है? और मुझे लगता है इससे वाइडली पॉपुलर डिश दिल्ली में अब नहीं है। शाम का ये सबसे ज़्यादा वाइडली स्प्रेड स्नैक है, कहीं पर भी देखो बाइकों के ऊपर लेके खड़े होंगे थालियों में, इधर उधर जहाँ मर्जी देखो। जिस तरह से हम लोग जैसे समोसे और पकौड़े खाते हैं अब उसी तरह से ये हमारे खान पान का हिस्सा बन गया है। मोमो लेके आओ, मोमोज लेके आओ, चम्मच बदलना है। ये चटनी मिल जाएगी मोमो थोड़ी ले लो, ये तो हमने लिया नहीं। हम थोड़े ट्रेडिशनल तरीकों में वापस आते हुए लाल चटनी लेके आए हैं। ये तो मेन है। आपके ब्लॉगर में बहुत देखता हूं। थैंक यू। फैन मोमेंट। जगह जाते हो ना ब्लॉग? जी जी जी, मैं आपका बहुत फैन हूं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो चलो जी जी बिल्कुल नहीं, मैं लेता हूँ। तो मैं आपको बता रहा था मेरी बहुत सारी मेमोरीज़ हैं ऐसी फूड कार्ट पे खाने की। दिल्ली का एक और हिस्सा है लॉरेंस रोड, अशोक विहार, वहाँ पे बहुत खाया है हमने। और उसके बाद फिर आपका मॉडल टाउन में शालीमार पार्क के पास में दो कार्ट लगती हैं, हॉटपॉट एक नाम था, एक पता नहीं होस्ट नाम था शायद, हॉटपॉट मुझे पता है कि वो बहुत सारे कार्निवल्स में भी तो वहाँ पे बहुत खाया है। तो बहुत मज़ा आता था ये कार्ट्स देख के लगी हुई,
मतलब ये स्टेशनरी एक तरह से आप कह लें वैन है, हाँ। मतलब मूव नहीं करती है और बहुत सही अंदर में इन्होंने पूरा किचन बनाया होता है। ये इनोवेशन बहुत अच्छी लगती है, बहुत मज़ा आता है, सुंदर, सस्ता, टिकाऊ, चलने में कम नहीं, घूम जाए तो गम नहीं। वाह क्या बात है। ये गैस तंदूर है, क्या बात है। देखो इसमें कोयले का इस्तेमाल नहीं है, टेस्ट आ जाता है, लेकिन सही टेस्ट आता है इससे। हाँ आता है। है? इसमें लगा हुआ है अचार का मसाला? नहीं नहीं, इसमें तंदूर का मसाला, तंदूरी मसाला है। ये अभी सीख में वेज मोमो लगा रहे हैं, हाफ प्लेट लगाना, हाफ डालिए। ये जा रहा है गैस तंदूर में। तो अब ये क्या क्या डाल रहे हैं? प्याज, धनिया पत्ती, चाट मसाला, ये नींबू, मक्खन, ये अब इसमें अचार का मसाला डाल देंगे। बस ये तैयार हो गए हमारे वेज तंदूरी अचारी मोमोज, मिंट सॉस। ये है अचारी वेज मोमोज, साथ में प्याज और चटनी, पनीर वाले ग्रेवी मोमोज, ऊपर में खूब सारा धनिया, प्याज, शिमला मिर्च। तो वाह, मतलब कोई इसकी ग्रेवी देख ले तो समझ में नहीं आएगा कि ये मोमोज है। अचारी, मुझे एक कह दो ना कि फ्लैशबैक, ये एक्सपीरियंस कार्ड के पास खड़े हो, बहुत जमाने बाद खा रहा हूँ मैं। हम दोनों को ही फ्लैशबैक हो रहा है, मुझे कॉलेज का हो रहा है, हम कॉलेज से निकल के ऐसे मोमोज खाते थे। और खासकर यहाँ का चाउमीन खाना, मतलब ये क्या हो रहा है आपके, जहाँ भी आप खा रहे हो वहाँ पर आपके फोक टूट जा रहे हैं। जाइए पहले खाते हैं। जो ग्रेवी बनाई गई है, जिस तरह से चिली चिकन की ग्रेवी बनाते हैं या चिली पनीर की ग्रेवी बनाते हैं, वैसे ही बनाई गई है। थिकनिंग के लिए अरारोट का इस्तेमाल किया गया, प्याज, शिमला मिर्च, थोड़ा फूड कलर, सोया सॉस, विनेगर, ये सब डाल के ग्रेवी बनाई गई, चटपटा। और जो कहते हैं ना, हाँ, जो देसी चाइनीज हमारा होता है, इसको हम लोग बहुत बार चिंजाबी भी बोलते हैं, चाइनीज़ और पंजाबी, चिंजाबी या इंडो चाइनीज़, जो एक वो टिपिकल फ्लेवर होता है देसी चाइनीज़ का, वो है। और जो मोमो डाले गए हैं वो फ्राई करके डाले गए हैं ताकि इसका क्रिस्पीनेस बरकरार रहे। और अब ट्राई करते हैं, ये है हमारा अचारी तंदूरी। ये बेटर है, बर्स्ट ऑफ फ्लेवर्स। और सोचो अगर इसमें चिकन होता फिर। ये वाकई बहुत ही उम्दा है, मतलब प्रॉपर जो एक आम के अचार का फ्लेवर होता है, मसाले का, जो पिकल वाला मिक्स पिकल होता है उसका मसाला है। ग्रेवी मोमोज का फ़ायदा क्या होता है, आप नूडल्स ले लो तो उसकी ग्रेवी से नूडल्स खा लो, साथ में मोमो का मोमो स्वाद मिल जाता है। हाँ। तो ये तो बच गया हमारा, हमारे मंचूरियन में खर्चा बच गया। जी जी, ये फ़ायदा है। चिली गुआवा, चिली गुआवा हो जाएगा, भी अच्छा है, बबल गम भी अच्छा है। अब भैया बताया हमें चिली का, वही गुआवा है, मैंगो है, आइस टी। ये सब कैसे बनाते हैं सर? मुझे तो गुआवा गुआवा सिर्फ, और उसमें बर्फ बर्फ डाल के बनाते हैं। मैं वही कल सोच रहा था आपसे बात करने के बाद, जैसे लोग कहते हैं ना कि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के बैकबोन उत्तराखंड के लोग हैं, स्ट्रीट फूड इंडस्ट्री के बैकबोन यूपी और बिहार के लोग हैं। परचम लहराएंगे भैया, अभी परचम लहराएंगे। ये खाना तो नहीं है ना? ना ना ना, है नहीं पक्का? आप इतना कचर दिए हैं इसको, किसी का कहीं मुंह में ना चला जाए।
हैं, छान दीजिए इसको या तो, क्योंकि ये तो मुंह में आएगा ही आएगा स्ट्रॉ से। स्ट्रॉ पतली है ना भैया की, नहीं आएगा। ये है चिली गुआवा, मैं चिली गार्लिक बोल रहा था। चिली गार्लिक से कैसा है? देखिए ये चीज़ बहुत चलती है, लोग खुश होकर खिलाना वो बहुत ज़रूरी है। सर आपकी शॉप का नाम सपरा बिस्किट्स है, मेरा नाम अनुभव सपरा है। हालांकि वही देखा ना, लेकिन ना ये मुझे जानते हैं ना मैं इन्हें जानता हूँ, लेकिन हम दोनों का सर नेम कॉमन है, सपरा बिस्किट्स। और इसलिए अब हम यहाँ पे वसीयत लेने आ गए अपनी, तो इसमें से जितना हिस्सा हमारा है चुपचाप पैक कर दो। नहीं नहीं ये बहुत कम है, मतलब माइनॉरिटी में हम लोग बहुत कम दिखते हैं सपरा। बहुत कम लोग दिखते हैं सपरा, तो बहुत दिल की खुशी होती है कोई मिलता है तो ये सपरा। नेबरहुड में सपरा पेंट्स हैं, क्या बात। एक हमें कुछ करना चाहिए, मतलब रजिस्ट्रेशन सपरों की कम्युनिटी बढ़ाने, बिरादरी सपरा बिरादरी, सपरा बिरादरी वहाँ पे एडमिशन मिलेगी हमें 20% कट ऑफ। अच्छा सबसे अच्छी बिस्किट कौन सी है आपके यहाँ सपरा बिस्किट में? काजू पिस्ता। कैसे है वो? 416 रुपये के जी। 4-5 पीस दे दो, कितने वेट से हिसाब से? वो 5 रुपीस के एक पीस है। हाँ अगर तो आपको 250 ग्राम लेना हो तो वो 100। नहीं नहीं आप हमें 4 पीस दे दो फिर तो, 20 रुपीस के, जो इनकी सबसे फेमस कुकीज़ हैं पिस्ता बिस्किट्स वो लिए, पिस्ता काजू। और साथ में हम सामने चाय की दुकान पे जाएंगे, चाय पियेंगे और सपरा बिस्किट्स के सपरा जी बिस्किट्स खाएंगे। धन्यवाद। चलिए ले लो बेटा, तुम भी ले लो, एक हमारे पास 4 है, एक तुम भी ले लो। अब बिस्किट चीज़ें क्या करूँगा मैं लेके, बस बस थैंक यू। बाबा की चाय की दुकान बहुत साफ़ सफाई से इन्होंने मेंटेन की हुई है, लिखा हुआ है सुमन टी स्टॉल, चाय मसाला चाय कॉफ़ी ग्रीन टी ब्रेड पकौड़ा समोसे ये सब भी बनाते हैं। है ग्रीन टी भी बनाते हैं, ब्रेड पकौड़ा नहीं बन रहा है, लेबर नहीं है। लेकिन ये लेबर की बहुत कमी है क्या ये यशवी? कल हम लोग राजू चुरचुर नान पे नान खा रहे थे, जो उनके ओनर थे उन्होंने इनको बोला कि स्टाफ चाहिए। हाँ। और वहाँ पे गए मोमो किंग पे, वहाँ भी लिखा हुआ था लड़के चाहिए। ऐसा मतलब ये तो हमें सूचना देनी पड़ेगी आगे। हाँ। बाबा आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है एतवारी। हाँ जी एतवारी चौधरी। एतवारी चौधरी जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार में। कहाँ से? सहरसा। सहरसा के हैं, अब तो डायरेक्ट ट्रेन जाती है सहरसा की यहाँ से, है ना? तो आप 38 साल पहले यहाँ पे आए? 1983 में आए। उस समय से ही चाय का काम करते आ रहे हैं? शुरू से कभी कभी रेडियो जी। चाय बहुत ही निमन बा, एकदम बढ़िया मसालेदार अदरक और इलायची वाला चाय। इनका बेटा होता तो और अच्छा लगता चाय, वो भी बढ़िया बनाते हैं। 20 साल से ही बना रहे हैं, वो तो बाद में ना बनाना शुरू किया। हाँ तो दोबारा फिर आ जाएंगे, कौन दूर है, चाय निम्न है। मोमोस किंग, मोमोस के राजा हैं। क्वांटिटीज ही देख सकते हैं वो तो हम। ये मैथमेटिकल क्या लिखा हुआ है क्या? ये अलग अलग स्टफिंग्स है और उसके अलग अलग वेरिएशंस हैं, स्टीम फ्राइड ग्रेवी, हॉट ग्रेवी, कुरकुरे, पीरी पीरी, मखनी ग्रेवी, अचारी और पिज़्ज़ा चीज़ी। तो और ये प्राइसिंग लिखी हुई है हाफ और फुल की, तो आप जैसे अगर आपको खाना है पिज़्ज़ा की स्टफिंग, आपको फ्राइड खाना है फुल ये है, आप ग्रेवी में खा सकते हो, हॉट ग्रेवी में खा सकते हो, कुरकुरे में खा सकते हो, मखनी ग्रेवी में खा सकते हो, हैं। और आपने कल हमें चीज़ी कुलचा खिलाया था, आज चीज़ी मोमो खिला रहे हैं, पिज़्ज़ा चीज़ी मोमो, मतलब ये एक्सट्रीम लेवल ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन है। तो यहाँ पे भैया को ऐसे ही मोमो किंग नहीं कहते, आप देख सकते हैं क्वांटिटी कितनी सारी है। यहाँ पे हमारी मेयोनीज की क्वांटिटी है, वेज भी है, नॉन वेज मेयोनीज भी है, फिर हमारे पास बटर की कितनी क्वांटिटी है, बटर ही बटर से दीवार भर दी है भैया, ईंटों की जगह बटर लगाया आपने। तो हमने पनीर मोमोज फ्राइड कर दिए और अब इसके ऊपर में चीज ब्लेंड, तंदूरी मेयो नहीं है। चॉप्ड प्याज
और शिमला मिर्च, ये चीज़ की स्लाइस, प्याज, ये गया मिंट मेयो, अब ये ग्रेटेड चीज, प्रोसेस्ड चीज, सीजनिंग, इसको ओवन में जाएगा ये। ये है हमारे पास पीरी पीरी चिकन फ्राइड मोमोज, और ये हमारा पिज्ज़ा चीज़ी पनीर मोमोज। आपको कितना गर्म लगा उस हिसाब से मैं कहूँगी इसीलिए मैंने खाया, मुझे अपने ऊपर मीन्स नहीं थी चिपक गया भाई साहब, मतलब सर ने इतने प्यार से बनाया है, पता नहीं इसको मैं क्या बोलूं, लेकिन मैं इसमें मुझे मोमो का टेस्ट समझ में आया ना पिज्ज़ा का। खैर, लेकिन इनके पास और भी स्टीम मोमोज भी हैं। हाँ, हमने हमेशा स्टीम खाया है, स्टीम मुझे बहुत पसंद है, उसके ऊपर बटर लगा के और ऊपर से पूरी ड्रेसिंग करके देते हैं सिर्फ मसालों के साथ, नो चीज़ एंड सॉस वगैरह, एकदम नॉन सॉसी लाइट होते हैं, सोया बहुत अच्छा। तो आप वो खा सकते हैं, वो भी हम ट्राई करते हैं इनसे, क्योंकि जो इनका व्यवहार है जो विजय जी का, वो बहुत अच्छा है, तो इनके व्यवहार के 10/10 और जितने प्यार से बनाया उस पर भी 10/10। ये टेस्ट फ्लेवर पर्सनली मुझे उतना नहीं जचा, अब ये ट्राई करते हैं। ये अच्छा है, फ्राइड मोमोज़ हैं, ऊपर में इन्होंने दो तरह की मेयोनीज और लिक्विड क्रीम डाला है, साथ में सीजनिंग है, इसका टेस्ट कंपैरेटिवली पिज्ज़ा चीज़ी मोमो से अच्छा है। तो अब हम विकासपुरी से आ गए हैं जनकपुरी की तरफ, ये हमारी बहुत ही फेमस मार्केट है, ये चौपाटी की तरह मॉल रहता है यहाँ पे, मिनी बॉम्बे टाइप का है, गोलगप्पे मिलेंगे आपको, पाव भाजी मिलेगी, तंदूरी रोटी, चाँप रोटी, रुमाली रोटी, बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन हम जो खाने आए हैं वो यहाँ के भुर्जी, पनीर भुर्जी मोमोज, जो बहुत ही फेमस है और बहुत ही अच्छे हैं, हमारे मोमोज का लास्ट स्टॉप है, चलिए चलते हैं उसकी तरफ और खाते हैं। यहाँ तो गजब ही माहौल है, हैं? ट्रेन की स्पीड से चलता है, आते जाते हैं लोग, बीच में से ही घुसेंगे, जाएंगे, आएंगे। एक्सक्यूज मी की आवाज़ आ रही है बस। एक्सक्यूज मी भी नहीं, बस खड़े हैं सब। ले लीजिए। ये है हमारे पनीर भुर्जी मोमोज। अब हम जाके शांत जगह पे बैठ खाएंगे। पैसे नहीं देंगे भैया, भाग रहे हैं। आके देंगे, आके देंगे। अच्छा, आपने बोला पनीर भुर्जी मोमोज है, इसका क्या मतलब होता है ये समझाओ। ये नॉर्मल पनीर नहीं है, आपको नॉर्मल पनीर मिलेगा वाइट कलर का, वो प्याज के साथ काट पीट के डालते हैं, ये प्रॉपर कुक होती है पहले हल्दी में, इसके अंदर आपको मटर भी मिलेंगे, प्याज भी मिलेगा, टमाटर भी मिलेगा, तो भुर्जी को इन्होंने मोमोज में भर दिया है। आपको इसके साथ खाना चाहिए, इसके साथ बहुत ही उम्दा स्वाद आएगा आपको। अच्छा, आपका वाला। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें इतनी सारी सब्जियाँ डली हुई ऑलरेडी और भुर्जी बनी हुई है, तो क्या उसका स्वाद पर चखते हैं। चलो, उसके बाद एक बाइट उसके बिना। कुछ अलग, बहुत अलग, मतलब जो पनीर मोमोज हम लोग खाते हैं उसमें ज़्यादा से प्याज होता है और सादा पनीर होता है, ये बिल्कुल मसालेदार है। क्या बात है, मतलब इसका भी मोमो का भी वेस्ट दिल्ली करण, पनीर मोमो का भी वेस्ट दिल्ली करण हो गया, वहाँ पे दिल्ली करण हुआ था, ये वेस्ट दिल्ली करण हो गया। ऐसा लग रहा है उस आंटी ने शुरू किया था घर में पनीर भुर्जी बना दी, बच्चों ने कहा मोमो खाने, तो उसने मोमो में भर के खिला दिया बच्चों को, प्रॉपर और बहुत स्ट्रॉन्ग गार्लिक का फ्लेवर है।
मतलब कौन कहते हैं कि इनोवेशन सिंपल नहीं हो सकती है ना, क्यों डालना है चीज उसके ऊपर जब तुम ऐसे भी अच्छे बना। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये उसका एग्जांपल है। अब आप इसके साथ खाओ, ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, ये मेरे लिए है। ये मेयोनीज है, सच में मेयोनीज है? मेयोनीज लगती नहीं है ना, क्रीम लगती है। क्रीम लगती है, क्रीम और मेयोनीज का कुछ मिक्स है। मैं कभी फिगर आउट करने की कोशिश कर रही, पर ये मेयोनीज तो नहीं है, कुछ अलग ही है। बहुत सही, मतलब आपने बेस्ट लास्ट के लिए बचा के रखा हुआ था। आप देख सकते हैं ये प्लेट कितनी जल्दी खत्म हुई है, ऐसी कभी नहीं खत्म हुई हमारी पुराने मोमो। बहुत अच्छा रहा आपके साथ मोमो ट्रेल करके वेस्ट वैली का। अभी हमारा ये फूड ट्रेल एंड नहीं हुआ है, हम इसे कंटिन्यू करेंगे, पार्ट 3 पार्ट 4 आगे बनाते रहेंगे, आप सब तक पहुंचाते रहेंगे। और इसी के साथ हमारा आज के जायके का सफ़र समाप्त हुआ। हम फिर मिलेंगे दिल्ली के किसी नए इलाके में नए जायकों के साथ। तब तक कीप वॉकिंग, कीप एक्सप्लोरिंग।